मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टूडियो में ओपन करने जा रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड। जो मैंने अप्लाई किया था बैंक ऑफ इंडिया का वीज़ा कार्ड के लिए, वो मेरे एड्रेस पर आ चुका है। तो वो मैं आज आप लोग के बीच में ओपन करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसका रिव्यू दिखाता हूँ। तो ये है बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड, देखिए ये। चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इसमें मैंने पहले से इसको ओपन कर चुका है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। इसमें देखिए कार्ड का जो कवर दिया हुआ है, इस काफ़ी अच्छा कवर है, ये स्ट्रॉन्ग कवर है ताकि इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कवर दिया हुआ है, ये आपका एटीएम कार्ड है। देखिए मेरा एटीएम कार्ड है, देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, इसमें डेट लिखा हुआ है, और ये वीज़ा का क्लासिक कार्ड है। मैंने वीज़ा का अप्लाई किया था, तो वीज़ा का क्लासिक कार्ड अप्लाई किया था, तो यह आया है। तो इसमें देखिए चिप सिस्टम भी लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है, और मैंने कार्ड का नंबर जो इस हाइड किया हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण। और यहाँ पे सीबी भी रहती है, यहाँ पे सीबी भी रहता है, और यहाँ पे कुछ ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम हो, या आपका यदि एटीएम कार्ड खो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथोराइज सिग्नेचर नॉट वैलिड अनलेस साइन। तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना, अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रेंड्स, ये आपका स्वैप सेविंग, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें कैसे यूज करना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है अक्रॉस एटीएम पोस्ट ऑफिस टर्मिनल, देखिए एक्सेस थ्रू एटीएम, एटीएम को कैसे स्टार्ट करना है, ऑल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें देखिए कार्ड का यूजेज क्या है, लिमिट क्या है, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। आप लोग यदि इस पे ई कॉमर्स में यदि ट्रांजैक्शन करते हैं तो 25,000 रुपये तक आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, और यदि एटीएम से विदड्रॉल करते हैं तो 15,000 मैक्सिमम तक एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि विदड्रॉ कर सकते हैं। 15,000 लिमिट है, बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं है फ्रेंड्स, कम से कम 40,000 रहना चाहिए, लेकिन 15,000 दिया हुआ है लिमिट। ओके, पिन चेंज कर सकते हैं, या सारा डिटेल दिया हुआ है कैसे बैलेंस इंक्वायरी। और ये है आपका, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है लॉस ऑफ कार्ड। लॉस, यदि आपका कार्ड लॉस हो जाता है, भुला कहीं खो जाता है, तो आप इस नंबर पे हॉटलिस्ट कर सकते हैं। फिर इस नंबर को या आप लोग ध्यान से, यदि बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करते हैं तो ध्यान से देख लें कि ये नंबर यूज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका कार्ड खो जाता है तो आप लोग इस नंबर से हॉटलिस्ट करवा सकते हैं अपना कार्ड नंबर को, ठीक है। और इसमें रिवार्ड का प्रोग्राम दिया हुआ है कि आप लोग को रिवार्ड मिलता है यदि आप लोग शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप लोग कितना रिवार्ड मिलता है, ठीक है। और इसका देखिए समरी ऑफ चार्जेस, देखिए चार्ज क्या है इसमें, ट्रांजेक्शन इन इंडिया। देखो इसका एटीएम लेने का चार्ज एकदम एटीएम फ्री मिलता है फ्रेंड्स, देखिए इशू फ्री, फी फ्री, इशूएंस फी फ्री दिया हुआ है। एनुअल इसमें फी लगता है, एनुअल चार्ज लगता है 150 रुपये प्लस GST, मतलब 170 रुपये, समझ लीजिए कि लगभग 170 रुपये पर ईयर आपको एटीएम चार्ज लगेगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट, यदि आप रिप्लेसमेंट करते हैं एटीएम को, तो फिर आपको 150 प्लस GST लगेगा, ठीक है। रिपिन चार्ज, यदि रिपिन आपको मंगाना है तो उसमें आपको 50 प्लस GST चार्ज लगेंगे, ठीक है। और ग्रीन पिन लेना है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन इन इंडिया में देखिए बैंक ऑफ इंडिया 10 फाइनेंशियल यदि करेंगे तो आपको 10 फाइनेंशियल तक फ्री है, उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन चार्ज लगेंगे। कैश विथड्रॉवल में 10 रुपये प्लस GST, बैलेंस इंक्वायरी में 8 रुपये प्लस GST, मिनिमम स्टेटमेंट यदि निकालेंगे मिनी स्टेटमेंट तो 8 रुपये प्लस GST। और इसमें कुछ दिए थे फ्रेंड्स, ये है इसमें दिया हुआ है प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज योर डेबिट कार्ड नंबर और ATM पिन और OTP या CVV, किसी को बताना नहीं रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, और कुछ डिटेल दिया हुआ था आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मैनुअल है, ये आपका मैनुअल है, इसमें बहुत बड़ा मैनुअल है तो इतना मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप लोग यदि अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैनुअल को बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन एंड यूजेज, और सबसे मेन जो पॉइंट है ये आपका मेरा, देखिए ये कार्ड है, मेरा एड्रेस दिया हुआ है, मैंने हैड कर दिया है एड्रेस को, ठीक है। इसके बाद ये मेरा वीज़ा क्लासिक आईडी
कार्ड नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है आपका, मेरा नाम दिया हुआ है, उसके बाद कार्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, की बेनिफिट्स फीचर्स, फ्रॉड प्रोटेक्शन के, अर्न रिवार्ड, इसमें रिवार्ड का फैसिलिटी दिया गया फ्रेंड्स, आप लोग रिवार्ड इसमें एक्सेप्ट कर, रिवार्ड का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और देखिए बैंकिंग का नंबर है 0224091919 ये बैंक ऑफ इंडिया ATM। यदि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आता है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, ये था इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल था, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आदि की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।